स्टूडेंट्स, ये उस दिन चैप्टर टू पॉलिनोमियल का थोड़ा बेसिक बताया था जो नाइन्थ से रिलेट करता है और जितनी भी क्लासेस सिक्स सेवन्थ एट जहाँ भी पॉलिनोमियल होता है वहाँ सबसे रिलेट करता था जितना भी मैंने उस दिन बताया था। लेकिन आज का जो बेसिक है वो टेंथ के लिए है सिर्फ, मतलब इससे हम टेंथ के जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे चैप्टर में वो कर सकते हैं। तो वो बेसिक मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन बताऊँगा। तो मैं बताऊं सबसे पहले कि जीरोस क्या होता है। जीरोस इसे हिंदी में कहते हैं शून्यांक। ये थोड़ा सा नाइन्थ में भी था शून्यांक, मतलब जीरोस यहाँ पर भी। तो मैं आपको बता दूं जीरोस कहते किसे हैं, शून्यांक होते क्या हैं। तो मैं बता दूं शून्यांक कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स की वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल का मान मतलब वैल्यू जीरो हो जाए उस वैल्यू को कहा जाता है जीरोस। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल होती है उस पॉलिनोमियल में जो हम वैल्यू पुट करते हैं उस वैल्यू को रखने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है उससे हम कहते हैं जीरोस, जिस वैल्यू को रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, 3x प्लस 1 लिखा है। अब ये कोई पॉलिनोमियल है, इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं क्या रखूँ कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लो मैं एक्स पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/3 रख दूँ, माइनस 1/3 रखा मैंने, क्या रखता हूँ 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 इससे कटने से क्या आया 0। तो कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल में मैंने x की वैल्यू माइनस 1/3 रखी तो वैल्यू आई 0 पॉलिनोमियल की। इसका मतलब कि x इक्वल्स टू माइनस 1/3 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का ये है जीरोस है, शून्यांक है, इसे कहते हैं जीरोस। तो मैं बता दूं जो हमारी पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स बहुत सी तरीके की होती हैं, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कई तरीके की पॉलिनोमियल्स होती हैं। तो जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका होता है, उसकी डिग्री 1 होती है इसीलिए उसका जीरोस भी 1 होता है। हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 होती है इसीलिए उसके 2 जीरोस होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 होती है इसीलिए उसके 3 जीरोस होते हैं। तो मैं बता दूं आपको लीनियर पॉलिनोमियल का 1 जीरोस, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस और क्यूबिक के 3 जीरोस होते हैं। तो आप जीरोस तो समझ ही गए क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको ये चैप्टर टू पॉलिनोमियल टेंथ क्लास का चैप्टर है। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है मैं उसकी बात करता हूँ कि नाइन्थ में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं तो मैं ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करूँगा। तो मैं बता दूं हमारे सिलेबस में टेंथ क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और थोड़ा बहुत क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है। तो मैं आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताऊँगा। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद। जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसे हम हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, मतलब इसकी डिग्री 2 होती है इसीलिए इसके जीरोस भी 2 होते हैं। तो मैं बताऊँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ,
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हिंदी में कहूँ तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप वो यही होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। जो ए बी सी हैं दीज आर कॉन्स्टेंट, ये क्या है कॉन्स्टेंट है, मैंने बताया कॉन्स्टेंट क्या होता है। और एक्स यहाँ पर ये है जो वेरिएबल है, हमारे सिलेबस में केवल वन वेरिएबल ही पॉलीनोमियल है, हमें जो वन वेरिएबल पॉलीनोमियल पढ़नी है और वो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पढ़नी है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें पढ़नी है ठीक है। क्यूबिक थोड़ा बहुत है वो मैं बता दूंगा, और कोई पॉलीनोमियल नहीं पढ़नी। इसमें ये कॉन्स्टेंट होते हैं ये वेरिएबल होता है ठीक है। इसके जीरोज होते हैं दो, जीरोज जीरोज को मैंने बताया था हिंदी में कहते हैं शून्य अंक, इसके टू जीरोज होते हैं दो। अब ये दो जीरोज जो होते हैं ये निकालते कैसे हैं, ये निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो, जिसे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी बोलते हैं ठीक है। निकालने के तरीके आपको मैं बता दूंगा एक क्वेश्चन करा के। तो जीरोज होते हैं टू, जिसमें हम यहाँ पर जो टू जीरोज हैं एक का नाम रख देते हैं अल्फा और एक का नाम रख देते हैं बीटा, अल्फा बीटा दो जीरोज होते हैं। कैसे निकालेंगे ये मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ये कांस्टेंट हैं ये वेरिएबल हैं, जीरोज होते हैं दो अल्फा बीटा और दो ही इनके रिलेशन होते हैं। किस किस के रिलेशन, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशन। इन ए बी सी को हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट मीन्स होता है गुणांक, गुणांक का मतलब कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि इनके आगे किस चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे या पीछे, अगर एक्स स्क्वायर है इसके आगे पीछे किस चीज का मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई, तो ए इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हुआ। तो मैं बता दूं तुम्हें जीरोस अल्फा बीटा। अब रिलेशन की बात करें, दो रिलेशन होते हैं इनके, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। हिंदी में कहूं तो गुणांक तथा शून्यांकों के बीच संबंध। तो मतलब दो रिलेशन होते हैं, पहला होता है जैसे बोलते हैं हम सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, हिंदी में कहूं तो शून्य अंकों का योगफल, शून्य अंकों का योगफल। तो वो क्या है मैं बता दूं, रिलेशन क्या है, जीरोज ऑफ कोएफिशिएंट वही होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी अपॉन ए, ये बी और ये। और दूसरा रिलेशन होता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये होता है। तो कहने का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द्विघात बहुपद है, इस सिलेबस में टेंथ के में यही है चैप्टर टू में, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, इसके दो जीरोज होते हैं। मैंने आपको बताया जो पॉलीनोमियल इसकी जितनी डिग्री है उसकी उतनी जीरोज। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट गुणांक तथा शून्यांक के बीच संबंध हिंदी में कहते हैं। दो रिलेशन होते हैं सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो इन बातों को याद रखना, इस बात को नोट कर लो ठीक है, इसको नोट कर लो, इसके बाद में नेक्स्ट आगे का बताता हूँ। इधर का मैं क्वेश्चन बिठा देता हूँ इधर उधर ठीक है। देखो अब बात आती है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल थी, आपने उससे दो जीरोज निकाली
और उन दोनों जीरोजों के रिलेशन भी फाइंड आउट करें, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज भी निकाल लिए और उनके जो रिलेशन होते हैं, दो रिलेशन होते हैं, उन रिलेशनों को भी वेरीफाई कर दिया। अब बात ये आ जाए कि हमको जीरोज दे दे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए कहे तो कैसे करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का ये फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म द्विघात बहुपद को बनाना या फिर कैसे बनती है वो मैं बात बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये जो फॉर्मूला है इसके द्वारा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो ये पूरा बेसिक था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगा, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो जीरोस कैसे निकालते हैं और उसके दो रिलेशन कैसे हम वेरीफाई करते हैं, ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, अगर हमें जीरोस दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं तो इस रिलेशन से फाइंड आउट की जा सकती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट। तो याद रखना इन बातों को, थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है तो आवाज़ क्लियर ना आए नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी, इसको कैसे भी करके आपको समझना है, ठीक है। तो इस बात को समझना, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, एक आध क्वेश्चन गलती से आ सकता है, तो गलती नहीं हमें सुधारना है, तो मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। आप नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो, मैं आज क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बता दूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे बोलते हैं हम हिंदी में त्रिघात बहुपद, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब त्रिघात बहुपद की व्यापक रूप या मानक रूप ये होता है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस टेन। ये व्यापक रूप है, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसमें ए बी सी एंड डी दीज आर कॉन्स्टेंट एंड कोएफिशिएंट आल्सो, ये कॉन्स्टेंट भी हैं और कोएफिशिएंट भी हैं, ठीक है। मतलब कॉन्स्टेंट मतलब अचर, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक ए, एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का सी और एक्स की पावर जीरो का डी है, लेकिन उसे मेंशन नहीं है। एक्स इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं चर बोलते हैं, इसे चर बोलते हैं, ये एक्स यहाँ वेरिएबल है और ये सब कांस्टेंट है। बात आती है कि इसकी डिग्री थ्री है, मतलब मैक्सिमम पावर थ्री, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है उसके जीरोस भी तीन होते हैं, इसके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे शून्यांक कहते हैं, इसके जीरोस होंगे थ्री, ठीक है। एक को हम बोलेंगे अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा, अल्फा बीटा गामा, तीन जीरोस होते हैं। कैसे निकालते हैं ये नाइन्थ क्लास में आप सीख चुके थे कि अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट करना जिसको रखने पर जीरो आ जाए, फिर उससे एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म करना, फिर उसे डिवाइड करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना और उसके बाद क्वाड्रेटिक से दो जीरोस और फाइंड आउट करना, तो नाइन्थ क्लास में आपने सीखा था और जो भी है मैं आगे फिर बता दूंगा। अब जो तीन जीरोज हैं तो रिलेशन भी तीन हो गए, इनके बीच में रिलेशन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। मैं सभी के इन सभी जो भी बेसिक बताए इन सभी पर मैं एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा और फिर एक्सरसाइज को भी डिस्कस करूंगा, हिंट दूंगा। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, शून्यांक तथा
गुणांकों के बीच संबंध। तो पहला होता है इसमें सम ऑफ द जीरोस, शून्य अंकों के बीच शून्य अंकों का योगफल। तो मैं हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, पहले बता दो शून्य अंकों का योगफल। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये होता है दूसरा। दूसरा होता है प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरो, शून्य अंकों तथा शून्य अंकों का गुणनफल तथा योगफल। तो अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। जो तीसरा रूल होता है जैसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जैसे अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ये तीन रिलेशन होते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी थी तो आपने तीन जीरोस निकाले, उनका रिलेशन निकाल लिया। अगर हमें रिलेशन, अगर हमें जीरोस दे दिया जाए या रिलेशन दे दिए जाए और हमसे कहे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो तो कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये रहा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट अल्फा, गामा, गामा डॉट अल्फा इंटू में एक्स, जगह काम है माइनस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। ये एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। तो इस फॉर्मूले से हम क्यूबिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का जितना बेसिक था मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, तो बस आप इस बेसिक को भी नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं आपको हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा इनके तौर पर, ठीक है।